बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा और सैन्य बलों का अपमान करने वाला बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार सेना के शौर्य और बलिदान का अपमान करती आई है। कांग्रेस पतन की अंतिम सीमा को छू गई है। उसने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो एफसपा को हटाएगी और सेना के अधिकार को कम करेगी। इसका मतलब क्या ये नहीं है कि कांग्रेस ने कश्मीर के अलगाववादियों एवं आतंकवादियों से बैक एंड समझौता कर लिया है? बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया था। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए घोषणा पत्र में सेना का आधुनिकीकरण, राइट टू फ्री हेल्थ केयर और प्रदूषण के मुद्दे का वादा किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का शीर्षक है, कांग्रेस विल डिलीवर, यानी हम निभाएंगे। बिहार की बेगूसराय सीट को लेकर आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इस कड़ी में सीपीआई के लोकसभा उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने एक बार फिर से गिरिराज सिंह पर तंज कसा है। कन्हैया कुमार ने इस कड़ी में कुछ आगे ही निकल गए और उन्होंने गिरिराज सिंह को बेशर्म तथा झूठा बताया। सीपीआई प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर मैं अपराधी या दोषी हूं तो सरकार मुझे जेल में क्यों नहीं डाल देती। रही बात गिरिराज सिंह की तो वो अपने अनाप शनाप बयानों के लिए सदैव जाने जाते हैं। यही वजह है कि आम लोगों को गिरिराज सिंह के मंत्रालय तक का पता नहीं है, लेकिन अनाप शनाप बयानबाजी की वजह से गिरिराज सिंह नाम सबको पता है। मालूम हो कि बिहार की इस सीट पर सीधी टक्कर मोदी कैबिनेट के मंत्री गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार के बीच है। बिहार की इस सीट से महागठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी उतारकर लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की पुरजोर कोशिश की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए तैयारी कर रखी है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। एसबीआई पीओ के 2000 पदों पर भर्ती करेगी। इसके लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। स्नातक पास उम्मीदवार जिनकी आयु 1 अप्रैल 2019 के अनुसार न्यूनतम 21 एवं अधिकतम 30 वर्ष है, वे आयोग की वेबसाइट www.sbi.co.in पर लॉगिन कर इन पदों के लिए 22 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य ओबीसी को ₹750 एवं SC/ST को ₹125 का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। तितावी थाना पुलिस के मुखबिर की सूचना पर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक शातिर हथियार तस्कर अफजल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक अन्य साथी मारूफ मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस को तलाश है। पुलिस ने मौके से 5 बने हुए तमंचे, कारतूस, तमंचे बनाने के उपकरण और लगभग 100 से ज्यादा तमंचे बनाने का मटेरियल बरामद किया है। पुलिस ने हथियार तस्कर को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। मोतिहारी डीएम के नेतृत्व में निकाली गई बाइक रैली, जहां एक ओर युवाओं की टीम थी वहीं दूसरी ओर जिले के वरिष्ठ अधिकारी। उत्साह ऐसा कि जगह ग्रामीण और आम लोगों के सड़क के किनारे हाथों में तख्तियां लेकर लोगों का स्वागत किया। डीएम की इस अनोखी पहल का सबने सराहना की। वहीं मोतिहारी डीएम द्वारा ग्रामीण इलाकों में भोजपुरी में वोट के प्रति समझाने की कला के सभी मुरीद हो गए। डीएम ने जैसे ही भोजपुरी में पिछले चुनाव में हुए कम वोटों के आंकड़ों को प्रस्तुत किया और लोगों को इस बार जमकर वोट देने की अपील की, लोगों ने जमकर तालियां बजाई और उनका हौसला बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।